आगे बढ़ते हैं, बात रायपुर की करते हैं। बीजेपी विधायक भीमा मंडावी हत्याकांड मामले में 3 महीने के लिए जांच आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है, सरकार में कार्यशक्ति का अभाव है, ये साय ने कहा है। सरकार ने झीरम घाटी मामले में भी इसे लंबा लटकाया। भूपेश बघेल बोलते थे सबूत उनके जेब में है और अब वो सरकार में है, उसके बावजूद भी सबूत का पता नहीं है। उसी तरह भीमा मंडावी केस को भी उलझाना चाहती है। देखिए, ये सरकार में कार्यशक्ति का अभाव है। जिस तरह से झीरम घाटी को भी इन्होंने लंबा लटकाया है, पहले भूपेश बघेल जी बोलते थे कि सबूत उनके जेब में है, अब वो सरकार में है, मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी उनके जेब का सबूत का पता नहीं है। और उसी तरह से भीमा मंडावी जी के केस को भी उलझाना चाहते हैं। हमारे नेता की मतलब चुनाव प्रचार के दौरान नक्सली वारदात में हत्या हुई, वो शहीद हुए, और ये सरकार का ये पूरा फ्लेवर है। फुलेश्वर पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। फुलेश्वर, बीजेपी विधायक भीमा मंडावी हत्याकांड में एक बार फिर व्यंग किया है बीजेपी की तरफ से, कहा है कि सरकार सिर्फ मामले को लटका रही है, जांच नहीं कर रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का बयान आया है, उन्होंने साफ तौर पर जो है सरकार पर हमला बोला है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार में कार्यशक्ति का अभाव है, कि सरकार ने झीरम घाटी के मामले को भी लंबा लटकाया है। भूपेश बघेल बोल रहे थे सबूत उनकी जेब में है, लेकिन अब वो सरकार में, उसके बाद वो सबूत का पता नहीं है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि झीरम जैसे ही ये भी मामले को, जो भीमा मंडावी का जो मामला है, उसको भी ये सरकार जो है उलझाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो जिस तरह से भीमा मंडावी को नक्सलियों के द्वारा जो है घात लगाकर वहां पे नक्सलियों के द्वारा हत्या किया गया था, निश्चित तौर पर ये जांच जो आयोग है उनका कार्यकाल बढ़ते ही जा रहा है। एक बार फिर से जिस तरह से 3 महीने का कार्यकाल बढ़ा है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवाल उठना भी लाजमी है। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। जी शुक्रिया फुलेश्वर इस तमाम बातचीत के लिए।